चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको टेक वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों स्वागत करता हूँ सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं आपको आज किस बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बता रहा हूँ कि आप इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आपके फैमिली मेम्बर्स कहाँ पे है वो जान सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से। इसमें कोई दोस्तों ट्रिक वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। और वो अगर कोई जैसे कोई बेटा घर से बाहर चले जाता है, कॉलेज चले जाता है, या फिर कहीं ट्रैवलिंग कर रहा होता है, तो उनको वो चीज़ पता नहीं होती कि कहाँ पे होगा कैसे होगा। तो ये चीज़ दोस्तों बहुत ही मुश्किल में पड़े लोगों को भी काम आ सकती है। कहीं अगर कोई खो जाता है या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही दोस्तों काम आ सकती है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप कोई भी आपका रिलेटिव है आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हो कि वो अभी फ़िलहाल कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल पे जो गूगल का अकाउंट आपने लॉगिन किया हुआ है, दोस्तों मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मेरे जो गूगल के अकाउंट्स लॉगिन है वो कहाँ पे है। अगर मैं सिंक पे जाता हूँ, सिंक पे जाने के बाद में दोस्तों मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सारे मेरे जो अकाउंट्स है वो मुझे दिख रहे हैं जो कि मैंने अभी मेरे मोबाइल पे लॉगिन किए हुए हैं जो कि गूगल के हैं। बाकी सारे अकाउंट्स तो है ही, लेकिन जो गूगल के हैं स्पेसिफिकली वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप सेम अकाउंट जो है उसमें से, जैसे कि मैंने देखा जैसे आपने देखा मेरे मोबाइल पे 4 से 5 अकाउंट है जो कि मैंने गूगल के लॉगिन करके रखे हुए हैं, तो उसमें से आप कोई भी अकाउंट जो कि आपने अपने मोबाइल पे लॉगिन किया होगा, आपके रिलेटिव्स या मम्मी पापा के मोबाइल पे भी वो जो है अकाउंट आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप उनकी सिक्योरिटी चाहते हो तो उनके मोबाइल पे भी वो लॉगिन करके रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपने क्या किया, दोनों मोबाइल पे सेम आईडी से लॉगिन करके रख दिया है, मतलब अकाउंट दोनों एक ही आपका जीमेल अकाउंट दोनों मोबाइल पे आपने लॉगिन करके रख लिया है। दोस्तों आपको अभी करना क्या है, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, फाइंड डिवाइस करके। ये ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर ली है, फाइंड डिवाइस करके दोस्तों एक एप्लीकेशन है जो कि गूगल का ही है। इसको आप अपने मोबाइल पे जो है इंस्टॉल कर लीजिए। मोबाइल पे इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आप का जो ईमेल आईडी है जिस मोबाइल पे रजिस्टर मतलब लॉगिन किया हुआ होगा, वो सारे जो डिवाइस है आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरे 3 डिवाइसेस है जिनके ऊपर में मेरा करंट का जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन किया हुआ है, और सारे के लोकेशन मतलब सारे मोबाइल्स के लोकेशन में यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरे जो मोबाइल्स है वो कहाँ पे है। देखिए ये जो करंट अभी जो लोकेशन देख रहे हैं वो तो मेरे पास ही है, इसलिए यहाँ पे मुझे इन योर हैंड करके लिख के आ रहा है, और मैं कौन से नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद में कौन सा मतलब बैटरी परसेंटेज कितना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे मोबाइल का मैं लोकेशन देखना चाहता हूँ जो कि अभी फ़िलहाल मेरे ही पास में है, तो उसका भी सेम आपको लोकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मेरा दूसरा मोबाइल है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे उसको मैं अगर प्ले करना चाहूँ, साउंड प्ले करना चाहूँ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उस मोबाइल का डेटा भी इरेज कर सकता हूँ, यहाँ से सारी चीज़ें मैं दोस्तों कर सकता हूँ। और यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो दूसरा मोबाइल है वो किस लोकेशन पे है अभी, मतलब दोस्तों आप सही तरीके से उस लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों सिंपल सा ट्रिक जिससे इसको करके आप जो है इजीली अपने डिवाइस का पता लगा सकते हैं कि आपका दूसरा डिवाइस दूसरा मोबाइल कहाँ पे है, और इजीली आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपका अगर मोबाइल खो जाता है तो किस तरह से आप उसको फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से अपने मोबाइल को सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है उस वीडियो की, तो आप वहाँ पे जाके उसको भी देख सकते हैं ताकि आपका मोबाइल अगर खो जाए या फिर आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इरेज करनी हो तो आप दूसरे मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। तो सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में आपके लिए हर वीक या हर दिन में लाते रहता हूँ, तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।